Assalamualaikum everyone and welcome to Rebecca's Kitchen. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में. आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ वो है गुलाब जामुन. जी हाँ, गुलाब जामुन मैं पहले भी घर पे बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन वो ड्राई मिल्क पाउडर के साथ. और आज जो गुलाब जामुन की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ब्रेड के साथ बनेगी. तो अगर आपके घर पे खोया नहीं है, ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है, तो ब्रेड तो होगा ही आप सब लोगों के घर पे, तो उससे आप जल्दी से गुलाब जामुन कैसे बना सकते हैं तो वो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी. ये गुलाब जामुन बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत डिलिशियस बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं. और कोई इसमें फ़र्क नहीं महसूस कर सकेगा कि आपने ये खोए के साथ बनाए हैं या ये डबल रोटी के साथ ये गुलाब जामुन बने हुए हैं. तो चलिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से बनाना शुरू करते हैं गुलाब जामुन. गुलाब जामुन के लिए उसका शीरा बना लेते हैं. तो ये एक पैन में मैं 1.5 कप चीनी ले रही हूँ. उसके अलावा ये 3 छोटी इलायची इस तरह से मैंने थोड़ी सी तोड़ ली है. अच्छा, जितना चीनी होगा उतना ही पानी डालूंगी. अगर आपके जैसे 1.5 कप चीनी है तो ये 1.5 कप पानी डाल रही हूँ मैं. अगर 2 कप चीनी है तो आप 2 कप पानी डालेंगे और इसे हम पकाएंगे जब तक हमारी चीनी जो है अच्छे से घुल जाए. चीनी तकरीबन घुल गई है, इससे हल्की सी कसर बाकी है. हम वेट करेंगे कि चीनी अच्छे से घुल जाए. चीनी देखें अब घुल गई है और अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम लो फ्लेम तक. तो शीरा हमारा रेडी हो गया है. कोई इसमें एक तार या दो तार चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको. चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और अब गुलाब जामुन बनाने की तरफ चलते हैं. अच्छा, सबसे पहले ये 12 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए, वाइट ब्रेड है, और उनके मैंने इस तरह से साइड्स जो हैं वो हटा दिए. एक मैंने छोड़ दिया ताकि मैं आप लोगों को करके दिखाऊँ. इस तरीके से इनके साइड्स हटा लेंगे, लेकिन ये साइड्स वेस्ट नहीं होंगे. इनको आप चॉपर में डाल के इनके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं. ठीक है जी, तो इस तरीके से साइड्स हटा देनी है. ग्राइंड हो गई है, ये देखें बिल्कुल बारीक. और अब मैं इसको निकालूंगी. अच्छा, इस ब्रेड के अंदर मैं डालूंगी ये 1 टीस्पून जितना बटर. आप घी भी डाल सकते हैं. और इसको मैं कर लूंगी अच्छे से मिक्स. अच्छा, 1 कप दूध है. दरअसल मैंने 2 कप दूध लिया था और उसको पका के मैंने तकरीबन इसको 1 कप दूध कर दिया है. तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी क्योंकि इस तरीके से इसमें बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आता है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आता है. तो ये थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी और उसको मैं मिक्स करती जाऊँगी. बिल्कुल इसको आटे की तरह सॉफ्ट सा गूंद लेंगे. गुलाब जामुन का डो रेडी हो गया है
और अब मैं इसको छोड़ दूंगी रेस्ट पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद गुलाब जामुन बना के फ्राई करते हैं। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए और ये देखें कितना स्मूथ सा डो रेडी है गुलाब जामुन का। ये देखें, लग ही नहीं रहा है कि ये हमने ब्रेड से बनाया है। अच्छा, ये मैंने दो दो टेबल स्पून ये मैंने दो टेबल स्पून बादाम काटी हुई है बारीक, और दो टेबल स्पून ये पिस्ते काटे हुए। उसके अलावा ये एक से दो टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, जो हल्का सा हाथों पे ग्रीस करेंगे और गुलाब जामुन बनाएंगे। जितने भी साइज़ का आपको गुलाब जामुन बनाना है, छोटा बड़ा थोड़ा सा लॉन्ग शेप में बनाना है, जैसा भी बनाना है, तो वो आप उस हिसाब से बनाइए। ये मैंने अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस किया है। इसके बाद जितने साइज़ का मुझे गुलाब जामुन बनाना है उतना मैं पीस ले रही हूँ। हाथों में ऐसे रोल करेंगे बॉल की तरह और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे जैसे छोटी सी कोई प्याली बना रहे हो वैसे बना लेंगे, और इसमें बादाम और थोड़ा सा पिस्ता डालूंगी मैं। अगर आप चाहें तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो पिस्ता नहीं पसंद से बादाम पसंद है तो वो डालिए, जो आपका दिल करे। और इस तरीके से इसको बंद करेंगे और फिर हाथों में इसको ऐसे करके गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसको अच्छा सा गोल स्मूथ सा बॉल बनाएंगे। ये देखिए, बस आपको ये केयरफुल रहना है कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बहुत स्मूथ सा बॉल बनना चाहिए। ये देखिए, ठीक है जी। अब इसी तरीके से ये मैं सारे गुलाब जामुन बना लेती हूँ और उसके बाद फिर फ्राई करेंगे। ये गुलाब जामुन के बॉल्स मैंने रोल कर लिए, तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। अच्छा, मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और इसमें मैंने ये एक गुलाब जामुन भी डाल दिया है, और ये मीडियम लो फ्लेम पर है। और इसके साथ अब ये मैं दूसरे भी डालती जा रही हूँ। और ये पकते जाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे, और खुद ही ये हल्के हाथ से मैंने टर्न करते जाएंगे इस तरीके से, ताकि ये इवनली चारों तरफ से सेम कलर आ जाए। अब आपकी मर्जी है कि आपको डार्क ब्राउन चाहिए या गोल्डन कलर चाहिए, तो आप उस तरीके से इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं और अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इनको अब मैं शीरे में डाल रही हूँ। और उसके बाद शीरे में डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए सोक होने देंगे। चूल्हा ऑन नहीं है, बंद है चूल्हा, जैसे पैन चूल्हे पर पड़ा हुआ है लेकिन चूल्हा मेरा ऑफ है। आधे घंटे के लिए ये इसमें सोक होंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। ज़बरदस्त से यमी से ब्रेड के गुलाब जामुन रेडी हैं। अच्छा, ये जो बचा हुआ पिस्ता और बादाम है ये मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरीके से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे थम्स अप देके लाइक कीजिए। कल फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।